बार मुंबई के विकास की वजह से जो लोग विस्थापित हुए हैं, हम उनकी समस्या पर बनी मैगजीन को लेकर उपस्थित हुए। बच्चों को पढ़ने के स्कूल नहीं है, दवाखाना नहीं है, दवाखाना जाना बोलो तो साइन जाना पड़ता है, नहीं राजावाड़ी जाना पड़ता है, ऐसा बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। काम धंधा दो नहीं तो हम लोग को किधर से लेकर उधर ही लेकर डालो, तो स्कूल डाले कहाँ पे डालने का, स्कूल भी नहीं यहाँ पे नजदीक, और पानी मिलता गंदा पानी पीने के लिए मिलता हम लोग को यहाँ पे, और कचरा गंदा बोलता ऐसा घान एकदम से, सभी सब हर तरफ से बीमारी का घर है यहाँ। मुंबई का इतिहास अगर हम देखें तो 7 बेटों से लेके अभी तक विभिन्न स्तर पर मुंबई का विकास होते आ रहा है। गए 15-20 सालों में इस शहर को शंघाई बनाने के ख्वाब को लेकर मुंबई के भौगोलिक विस्तार में काफ़ी बदलाव हुआ है। नतीजा ये हो रहा है कि मुंबई के मूल वासियों को दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई की ओर ढकेले जा रहा है। गरीबी और कम आमदनी की वजह से यहाँ लोगों को घर खरीदी करना मुश्किल हो रहा है। हमारे पास डॉक्यूमेंट पुरावा रहने के बाद भी हमको ले जाके खाड़ी के अंदर बाजू में डाल दिए हैं, पानी बिकट लेके पीना पड़ता है, बाथरूम को तकलीफ है, उधर बहुत सहूलियत हमको कुछ भी नहीं है। मैं पहला बोरवेल रहता था, उधर हर एक चीज़ का हमको पास में था, राशन बेसन सब पास में मिलता था, इधर बहुत लंबा है, महंगाई भी बहुत है, इधर हर एक चीज़ का इधर तकलीफ है। इसकी वजह से आवागमन की सेवाओं में जनसंख्याओं की बढ़ोतरी हो रही है, ट्रेन के डिब्बे अधूरे पड़ रहे हैं, रास्तों पर अधिक गाड़ियां आने की वजह से रास्ते अधूरे पड़ रहे हैं, भीड़ और लंबे सफ़र की वजह से वक्त की पाबंदी पर चलने वाली मुंबई आज वक्त से दूर होती जा रही है। मैदान भी नहीं, कुछ भी नहीं है, देख रहे ना गंदगी इतनी है, ऐसे तो हम लोग को रहने में भी तकलीफ हो रहा है यहाँ पर। 50 साल हो गया मेरे को रोड पे, लेकिन हमको उधर 50 साल में कोई तकलीफ नहीं हुआ, जितना तकलीफ है 23 दिन हुआ। इधर ढूंढने जाएगा नौकरी तो नया आदमी को नौकरी मिलती नहीं है। अगर हम मुंबई के विभिन्न विभाग के हिसाब से देखें तो कुल मिलाकर 55,144 लोगों को विस्थापित किया गया है, उनमें से 40,640 लोगों को पुनर्वसित किया गया है। पुनर्वसित बस्तियां जो है वो कौन से समस्याओं से जूझ रही है, अगर उनका सही में हमारे सामने सवाल ही है कि उनका पुनर्वसन हुआ है कि निर्वासन हुआ है, क्योंकि निर्वासन में ये सब चीज़ें रहती है, पुनर्वसन में तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो गुणात्मक जो बदल है वो वहाँ पे दिखना चाहिए, तो ही उसको पुनर्वसित बस्ती हम लोग बोल सकते हैं। स्कूल बहुत दूर है और बाथरूम के पास भी जाते हैं, और यहाँ गार्डन भी नहीं है खेलने के लिए, और पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है। रूम क्या करने का, रूम खाना देगा, रूम खाना नहीं देता, खाली सोने की जगह देता है। इस मुंबई वासियों की सुरक्षा के खातिर कुछ घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके पुनर्वसन की नीति के बावजूद भी उसका पूरा अमल नहीं हो रहा है। घर मिलना इसका मतलब ये नहीं कि सभी समस्याओं का हल होना।